मणिपुर की इस असहनीय घटना को लेकर डुवर्स क्षेत्र में आक्रोशित हुए लोगों ने लगातार कैंडल मार्च और डुवर्स के हर क्षेत्र में इस घटना के खिलाफ लोगों द्वारा आवाज उठाया जा रहा है। बीते कल 27 जुलाई को चामुर्ची के अंतर्गत चेक पोस्ट में मणिपुर में महिलाओं के साथ जो दरिंदगी हुई है उसके खिलाफ माउंट कैंडल मार्च चामुर्ची चेक पोस्ट के महिलाओं, युवाओं और छात्रों द्वारा निकाली गई यह रैली चामुर्ची चेक पोस्ट के कैली मोड़ से भारतीय भूटान सीमा के भूटान गेट होते हुए चेक पोस्ट मस्जिद तक की गई। इस रैली में चामुर्ची चेक पोस्ट के युवा तबारक शेख जी ने रैली में उपस्थित लोगों को यह बताते हुए नजर आए कि मणिपुर में कानून व्यवस्था चौपट होती जा रही है, वहाँ महिलाओं के साथ खेला जा रहा है तथा मणिपुर में जीएसटी के रिपोर्ट के आधार पर आदिवासियों के जंगल जमीन को छीनकर बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनियों को दिया जा रहा है, जिस जंगल जमीन पर सिर्फ केवल आदिवासियों का अधिकार है। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहे प्राइम सादरी के साथ। आज चामुर्ची हमारे जो अंचल है उसमें एक गांव है चेक पोस्ट, उसमें जो है आज जो है मणिपुर में जो घटना, दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके जो घुमाया गया उसके विरोध में यह रैली चामुर्ची चेक पोस्ट के महिलाओं द्वारा, चामुर्ची चेक पोस्ट के यूथ द्वारा, चामुर्ची चेक पोस्ट के छात्रों द्वारा मणिपुर में जो महिलाओं के साथ में जो शर्मसार करने वाली घटना है, जो पूरे मानवता के खिलाफ है, उस घटना को लेकर है चामुर्ची चेक पोस्ट की महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। महिला सिर्फ चामुर्ची चेक पोस्ट में ही नहीं बल्कि पूरे तराई डुवर्स में, उसके साथ साथ में पूरे भारत वर्ष में इस जो कुकर्म हुए मणिपुर में, इसका विरोध जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। सिर्फ मणिपुर में ही महिलाओं की स्थिति दयनीय नहीं है, पूरे देश में महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रही है, महिलाओं को जो शोषण हो रहा है, उसका जो है विरोध में जो चामुर्ची चेक पोस्ट के महिलाओं द्वारा, चामुर्ची चेक पोस्ट के यूथ द्वारा जो है एक विरोध प्रदर्शन किया गया। और इस विरोध प्रदर्शन या इस मौन प्रदर्शन करने का पीछे एक ही हमारे सभी का उद्देश्य है कि महिलाओं के प्रति जिस प्रकार की ये जो घृणा या द्वेष जो फैलाया जा रहा है या फैल रहा है, ये द्वेष फिर से आगे से ना फैले, इसके लिए जो है चामुर्ची चेक पोस्ट के महिलाओं ने ये जो मौन जो रैली है उसको निकालने का कोशिश किया है। साथ ही साथ वहाँ की जो मणिपुर की जो सरकार है वो सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है, और हम सभी जितने भी यहाँ के चामुर्ची चेक पोस्ट के निवासी हैं वो सरकार से मांग करते हैं कि उन जो अपराधी हैं उनके साथ में जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसा हम लोग जो है सरकार से जो है डिमांड रखते हैं।